हाय गाइज, वेलकम टू सी एम सी आई टी प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं एमएस पावरपॉइंट 2010 में विंडोज़ के कंपोनेंट और साथ ही जानेंगे विंडोज़ कंपोनेंट का फंक्शन। तो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप न्यू हो या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, ताकि जितने हमारे लेटेस्ट वीडियोज हो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, यहां पे जो ये स्लाइड है, यहां पे देख रहे हैं दो स्लाइड है। ये पहला स्लाइड में यहाँ पर ऑलरेडी स्लाइड से ही स्पष्ट होता है कि जितने सारे जो MS PowerPoint 10 का जो कंपोनेंट्स है यहाँ पे मौजूद है। तो दोस्तों, जितने सारे कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के बारे में हम एक एक करके हम जानते हैं। जब तक हम कंपोनेंट्स के बारे में हम नहीं जानेंगे, तब तक PowerPoint में हम कम्प्लीटली वर्क नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये हाईलाइटेड किया गया है, ये जो पॉइंटर देख रहे हैं, पॉइंटर हाईलाइटेड है। तो सबसे ये जो टॉप का जो पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट जो है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैक पावरपॉइंट इंटरफेस और माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार जो है, जब भी हम यहाँ पे सबसे टॉप में, टॉप लेफ्ट के कॉर्नर में देखते हैं, जहाँ पे पी लिखा है और यहाँ पे सेव बटन है, अंडू बटन है, रीडू बटन है, तो ये पार्ट को कहा जाता है क्विक एक्सेस टूलबार। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, यहाँ पे अंडू रीडू भी कर सकते हैं, जो भी कुछ फंक्शन सब यहाँ पे दिया गया है। ये जो है, जब भी माइक्रोसॉफ्ट कोई भी ऑफिस चलाते हैं, पावरपॉइंट 2007 या 10 या 13 या 16 या 20 जो भी पावरपॉइंट हम चलावेंगे, तो उसमें यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार मौजूद होगा। अगर 2003 या उससे पहले का जितना वर्जन चलाते हैं तो क्विक एक्सेस टूलबार वहाँ पे मौजूद नहीं रहता है। तो चलिए आगे कब समय चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सेकंड में है टाइटल बार। दोस्तों, यहाँ पे टाइटल बार जो है, जितने सारे विंडो होते हैं, पावर पॉइंट विंडो नहीं, जो भी ऑफिस का विंडो चलाते हैं या कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, तो सबसे टॉप में जो दिया गया रहता है उसे टाइटल बार कहा जाता है, जहाँ पे एप्लीकेशन का नाम और डॉक्यूमेंट का नाम मौजूद रहता है। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं पावर पॉइंट इंटरफेस, ये पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन का नाम है, ये पावर पॉइंट का फाइल को प्रेजेंटेशन कहते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये जो है एप्लीकेशन का नाम है। तो जब भी टाइटल बार जो होते हैं, वो किसी भी एप्लीकेशन का नाम, यहाँ पे पावर पॉइंट एप्लीकेशन का नाम और ये जो प्रेजेंटेशन का नाम यहाँ पे मौजूद होगा। और साथ ही यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट टॉप कॉर्नर में यहाँ पे मिनिमाइज, यहाँ पे रिस्टोर और यहाँ पे क्लोज, जब भी यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे, हाईलाइटेड पॉइंटर, तो यहाँ पे मौजूद होगा कि ये क्लोज बटन है, ये रिस्टोर बटन है और ये मिनिमाइज बटन है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों यहाँ पे फाइल टैब। जब भी यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये जो लाइनिंग में देख रहे हैं, यहाँ पे फाइल है, यहाँ पे होम है, यहाँ पे इंसर्ट है, यहाँ पे डिजाइन है, ये जितने सारे हैं इसे टैब कहा जाता है, जिसे हम दूसरा नाम हम मेनू भी कह सकते हैं। और इसमें जितने सारे टैब है और मेनू है, तो जितने सारे मेनू होते हैं तो सबके अंदर एक रिबन मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, यहाँ पे एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, ये सब आपको टैब्स हैं। और सब टैब्स के अंदर में बहुत सारे टूल्स और ऑप्शंस हैं, और इस ऑप्शंस के इस्तेमाल करके हम प्रेजेंटेशन बनावेंगे और पावरपॉइंट पे वर्क कर सकते हैं। देख रहे हैं, जब भी इंसर्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट रिबन आता है, ठीक है। दोस्तों, जब भी डिजाइन में क्लिक करते हैं तो ये डिजाइन के अंदर बहुत सारे टूल्स आते हैं, जब भी ट्रांजिशन के अंदर क्लिक करते हैं यहाँ पे टूल्स आते हैं, तो ये सब है, इसे रिबन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो इसमें देख रहे हैं, ये फाइल टैब हो गया, ठीक है। तो फाइल में जब भी क्लिक करते हैं तो इसके अंदर में आपको न्यू होता है, प्रिंट होता है, सेव होता है, एग्जिट होता है, इसे क्या कर सकते हैं, तो हम न्यू प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ओपन में क्लिक करके किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, या किसी भी प्रेजेंटेशन को सेव करना हो तो यहाँ से हम सेव कर सकते हैं, या प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फाइल टैब के बाद में टैब्स है। दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने फाइल टैब के, ये जो इस लाइन में जितने देख रहे हैं सब टैब्स है। यहाँ पे व्यू, रिव्यू, स्लाइड शो, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, डिजाइन, इंसर्ट, होम और फाइल, इसे टैब्स कहा जाता है, जिसे मेनू भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर में बहुत सारे रिलेटेड टूल्स सब है, इस टूल्स के माध्यम से हम वर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इस टैब्स के बाद यहाँ पे रिबन है। तो जब भी हम टैब्स में क्लिक करते हैं तो इसके अंदर देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन सब मौजूद होता है, रिलेटेड ऑप्शन सब मौजूद होता है, और इसके अंदर हम इतने सारे वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे न्यू स्लाइड बनाना, जब भी आप न्यू स्लाइड में क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड्स है, बहुत डिजाइन स्लाइड्स है, हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब भी इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ये स्लाइड पेन है, स्लाइड पेन में मौजूद होगा, ठीक है। जब भी यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की है इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक और यहाँ पे स्लाइड
स्टोर मौजूद होगा। तो जितने स्लाइड जो डिस्प्ले हो रहा है, स्टोर हो रहा है, सब स्लाइड पेन में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं ये जो लेआउट है, रीसेट है, सेक्शन है, सब आपको टूल्स है, सब होम का है। इसी तरह इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का रिबन मौजूद होगा। अगर डिजाइन में क्लिक करते हैं तो डिजाइन का जितना जो नीचे जो ये मौजूद है इसे डिजाइन रिबन कहते हैं, इसे ट्रांजिशंस का रिबन कहते हैं, इसे एनिमेशंस का रिबन कहते हैं। जिसमें भी क्लिक करेंगे तो उसका रिबन यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे स्लाइड पेन। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ये स्लाइड जो है, स्लाइड का पेन है, स्लाइड इसके अंदर जितने स्लाइड्स हम बनाते हैं वो सब स्लाइड्स यहाँ पे क्या होता है, मौजूद होता है। और हम जब भी क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड एक्टिव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमें जानना होता है कि स्लाइड होता क्या है। हम डिफाइनिंग कर सकते हैं कि स्लाइड इज द इंडिविजुअल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन का जो इंडिविजुअल पेज होते हैं, जैसे वर्ड में पेज होता है, एक्सेल में पेज होते हैं, सीट, इसी तरह पावर पॉइंट में हमें स्लाइड में वर्क करते हैं और स्लाइड में डिजाइन बनाते हैं। तो ये जो है यहाँ पे, ये जो स्लाइड्स है जिसमें जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं एक ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है ये प्लेस होल्डर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे तो ये भी एक प्लेस होल्डर है, ये भी एक प्लेस होल्डर है। जब भी हम कंटेंट टाइप करते हैं तो ये प्लेस होल्डर में टाइप करना होता है और हम डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं दो नंबर, ये ब्लैंक स्लाइड है। यहाँ पे यहाँ से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये जब भी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल का नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉ डिमांड करेगा। हम रॉ कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं, अगर चार्ट बनाना हो तो यहाँ पे इजीली आप चार्ट चूज करके चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब भी हम क्लिक करते हैं और ओके करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चार्ट इंसर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं स्लाइड में, सेकेंड स्लाइड में यहाँ पे चार्ट इंसर्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या करते हैं, इसे हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं और ये चार्ट जो है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इजीली डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम चार्ट हम इजीली बना सकते हैं। अगर हमें ये जो है, जो भी हमें पिक्चर लेना है तो हम यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं, इजीली पिक्चर चूज कर सकते हैं। जो भी पिक्चर हमें चाहिए वो पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ जब भी थ्री में करेंगे तो स्लाइड थ्री डिजाइन मौजूद होगा। फोर में करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो स्लाइड है, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के जितने कंपोनेंट्स है, सब कंपोनेंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक नंबर के स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे स्लाइड पेन के बाद जो है स्लाइड जो है शॉर्टकट की है। जब भी आप कंट्रोल एम करते हैं, मान लीजिए हम इसको हम क्या करेंगे, डिजाइन में क्लिक करेंगे और जो भी डिजाइन चूज करेंगे हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो भी डिजाइन करेंगे हम अप्लाई इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है, स्लाइड में कंट्रोल जेड, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे स्लाइड में जूम ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है, यहाँ पे जो सबसे नीचे जो देख रहे हैं इसे कहा जाता है जूम ऑप्शन। यहाँ से आप स्लाइड को जूमिंग कर सकते हैं, जितना जूम बढ़ा सकते हैं आप जूमिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। जितना जूमिंग आप कर सकते हैं वो क्या होगा, जूमिंग सेट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह हम क्या कर सकते हैं, तो जूमिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम 68 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जूम। तो दोस्तों इससे आगे चलते हैं जूम के बाद नोट सेक्शन। यहाँ पे देख रहे हैं क्लिक टू एड नोट्स। यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम विंडो इंटरफेस हम जो भी नोट्स लिखना चाहते हैं यहाँ पे हम इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसे कहा जाता है आपको टास्क पेन कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ये कंपोनेंट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जिसमें हमने जाना कि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, फाइल टैब, टैब्स, रिबन, स्लाइड पेन, जूम और नोट्स पेन। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ये जो सेक्शन है इसे नॉर्मल ये मोड कहा जाता है। ये इसे नॉर्मल मोड है। जब इसमें क्लिक करेंगे तो नॉर्मल मोड में होगा, ठीक है। जब भी इसमें क्लिक करेंगे तो ये जो है स्लाइड सॉर्टर मोड में होगा। स्लाइड सॉर्टर मोड में यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह इंसर्ट होगा, ठीक है। जब इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीडिंग लेआउट मोड में होगा, ठीक है। जब भी इसमें क्लिक करेंगे बैक करते हैं यहाँ से, ठीक है, हम बैक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, नॉर्मल मोड में लाते हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, तो जो भी हम डॉक्यूमेंट को जो भी मोड में हम इजीली यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल यहीं पर ख़त्म होता है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे बहुत सोशल मीडियाज है, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सोल्यूशन कर सकूँ।